थ्योरम के हिसाब से वी कैन कन्वर्ट एनी नेटवर्क. देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क दिख रहा है, इसमें एक 500 ओम का रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 150 का है. दिस इज ए सोर्स 12 वोल्ट, राइट. दिस नेटवर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वेरी सिंपल नेटवर्क. सिंपल नेटवर्क इन विच वी आर हैविंग 1 वोल्टेज सोर्स एंड 1 रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको कनेक्शन कैसे करना है ट्रेनर किट का, राइट. और इसके कनेक्शन के बाद मैं बाकी चीज़ें आपको पूरी बताऊंगा. सो एज यू आर सीइंग दिस ट्रेनर किट, देखिए ये नॉब है यहाँ पर, ये दिस वन, ये इससे हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं 0 to 12 volt. दिस इज़ ए सोर्स. जनरली वी आर सेटिंग दिस टू 12 volt. मान लो हमने 12 volt पे सेट कर दिया, राइट. सो दिस इज टू बी कनेक्टेड टू दिस ताकि सर्किट हमारा कंप्लीट हो. देखिए डैश डैश लाइन है ना, यहाँ कनेक्शन करना है. ये कनेक्शन हो गया मतलब ये 500 ओम कनेक्ट हो गया, ये 150 कनेक्ट हो गया, ये 100 कनेक्ट हो गया. ये कनेक्शन अभी नहीं है कुछ, ये कनेक्ट, ये देखिए डैश डैश लाइन है यहाँ, मतलब यहाँ कनेक्शन नहीं है, ठीक. अब हमको थ्योनीस थ्योरम में क्या करना है, प्रैक्टिकली थिंग्स आर वेरी इजी. इन द थ्योनीस थ्योरम वी हैव टू मेजर द वी टी एच एंड दिस वी टी एच इज ओपन सर्किट वोल्टेज वी ओ सी. तो ओपन सर्किट वोल्टेज नापने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पर एट दिस पॉइंट एंड बिटवीन दिस पॉइंट वी कैन कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर का सीधा कनेक्शन करेंगे हम यहाँ. देखिए ये रेड, ये कनेक्ट कर दीजिए इधर रेड पे यहाँ, और ये ब्लैक कनेक्ट कर दीजिए यहाँ नीचे, राइट हियर बाई कनेक्टिंग वायर्स. एंड यू वी कैन मेजर द वोल्टेज. यहाँ जो भी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में दैट इज द वी ओ सी वी टी एच वी थेवेनिन्स वोल्टेज विच इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज. प्रैक्टिकली तो थेवेनिन्स थ्योरम बहुत आसान है करना, राइट. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वी ओ सी. नाउ फॉर मेजरिंग द आर टी एच, सेकेंड की जो है प्रैक्टिकली हमको कैलकुलेट करना है आर टी एच. तो आर टी एच को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वी ओ सी बाई आई एस सी, या फिर डायरेक्टली मल्टीमीटर की सहायता से आप रेजिस्टेंस नाप लेंगे. तो मल्टीमीटर से अगर नापना है हमको तो क्या करना पड़ेगा. इन दैट केस अगर मल्टीमीटर से नापना है तो मैं एक ये जो है दिस सोर्स, ये आपको कनेक्शन यहाँ हटाना पड़ेगा, दिस शुड बी रिमूव्ड, ठीक. ये भी हम हटा देते हैं पूरे कनेक्शन. हमको क्या नापना है, आर टी एच. आर टी एच के लिए कनेक्शन अलग होंगे, ये हटा दिया हमने. अब हमको क्या करना है, ये जो टर्मिनल है दिस टर्मिनल इज़ टू बी शॉर्टेड, इसको हम शॉर्ट कर देंगे. ये शॉर्ट कर दिया यहाँ से यहाँ, शॉर्ट सर्किट, ठीक. ये वोल्टेज सोर्स को हमने हटा दिया, और यहाँ पर मल्टीमीटर की सहायता से बिटवीन दिस टू टर्मिनल वी कैन सेट द मल्टीमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. और यहाँ हम मल्टीमीटर लगाएंगे इन दो टर्मिनल के बीच में, तो डायरेक्टली दिस विल बी कनेक्टेड टू द मल्टीमीटर और रेजिस्टेंस हम नाप सकते हैं. एंड दिस मल्टीमीटर रीडिंग कैन बी रिकॉर्डेड एंड विच विल बी अवर, जो कि लगभग आपको 217 या 218 डिपेंडिंग ऑन द मल्टीमीटर प्रिसीशन इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. तो ये इस तरीके से आर टी एच और वी टी एच कैलकुलेशन हो. नाउ दूसरा जो तरीका है वो भी समझ लेंगे. दूसरा तरीका ये है कि विदाउट मल्टीमीटर वी कैन यूज द अमीटर. अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा. दिस आई एस सी इज टू बी मेजर्ड, दिस वन. अब आई एस सी मेजर करने के लिए इसका कनेक्शन रहेगा ऐसा, दिस विल बी देयर. ये 12 वोल्ट का सोर्स एक्टिव रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये इसको कनेक्ट कर देंगे,
ammeter. Between this terminal, we will connect the ammeter. अब ammeter से जो current जाएगा, this current will be ISC, क्योंकि हमने shorts कर दिया ना इसको. ये terminal is shorted by the ammeter, and this reading can be recorded, and VOC by ISC will be coming out to be again approximately 218, which can be measured, जो कि हम measurement कर सकते हैं. अगर हम इसकी measurement अगर lab में हम real करते हैं, तो VOC हमारा आ जाएगा. देखिए VOC है 12, और ISC की जो reading है, ISC is approximately coming out to be equal to, बताता हूँ, 0.055 एम्पियर के आसपास आ जाएगा. एंड फ्रॉम देयर द रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, वही आपके 218 के आसपास रीडिंग आ जाएगी ये रीडिंग. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वीओसी एंड आरटीएच. अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल कैलकुलेशन विच इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी विल एलेबोरेट द थ्योरेटिकल. अब ये थ्योरेटिकल देख लीजिए. एक कैलकुलेशन आपको जो मैनुअल में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है, विच वी हैव जस्ट एलेबोरेटेड, दिस इज वी टी एच कैलकुलेशन. थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मतलब आपको ये, दिस सर्किट इज टू बी ड्रॉन इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक और कैलकुलेशन करना है. तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये 12 वोल्ट का सोर्स है, 500 ओम, 100 और ये 150. अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ करंट जाएगा, एंड दिस करंट विल बी 12/650. ये 500 और 150, 650. ये ओपन है इसलिए इधर करंट नहीं जाएगा. दिस साइड करंट विल बी ज़ीरो व्हेन इट इज़ ओपन, जब ये लोड कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है तब. एंड इन दिस केस द करंट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0185 एम्पियर. अब हमको VTH निकालना है, तो VTH आ जाएगा 150 इंटू आई. हियर वाट एवर द ड्रॉप इज देयर अक्रॉस 150 ओम विल बी द VTH और VOC. और ये आ जाएगा 150 इंटू आई मीन्स 150 इंटू 0.0185 विच इज कमिंग आउट टू बी 2.775. ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH विच कैन बी कैलकुलेटेड from the circuits. Generally, if we will see this meter reading, जो कि हम पहले जो लेते थे reading by the meter reading is also approximately coming out to be equal to 2.78 या 79 ऐसे आएगी है. This VOC, which is the recorded reading. There is a difference between calculated and recorded. रिकॉर्डेड मतलब एक्सपेरिमेंटल किट से, कैलकुलेटेड मतलब सवाल बना के. ठीक, नाउ वी विल सी द सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ RTH. RTH का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. ये वोल्टेज सोर्स, इसको शॉर्ट कर दिया, ये 500 और 150 क्या आ गया, पैरेलल में आ गया ये दोनों. दिस 500 एंड 150 आर इन पैरेलल. सो 500 इंटू 150 डिवाइड बाई सम ऑफ दिस, 500 प्लस 150 इज 650. R1 R2 by R1 plus R2 plus this is in series 100, and this resistance is coming out to be exactly 215.38. ठीक, this is the exact value. अब आपको क्या करना है, परसेंटेज इरर निकालना है. परसेंटेज इरर, और ये परसेंटेज जो इरर आएगी, this will be the difference between this and this values. मान लो आपका रीडिंग आया 218, तो ये परसेंटेज इरर आ जाएगा 218 माइनस 215 जो कैलकुलेटेड है 0.38 ओम डिवाइड बाय आप 218 कर लीजिए एंड इनटू 100. सो वाट एवर द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज इरर होगी. कैसे इरर आया है VTH में, ये निकालना है आपको. इरर इज 1.2%, दैट्स ऑल. इसी तरीके से VOC में इरर निकाल सकते हैं, एंड दिस वे यू कैन कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट. तो ये पूरा